तो दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। जी हाँ दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है। और कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं बढ़िया हूं और आपकी अच्छाई के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में RRB ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। यानी कि जो अभी आपका आंसर किया आया है, उसके बाद जो आपके मार्क्स आए हुए हैं, उसके बाद जो आपको पीटी में बुलाया जाएगा, देन आफ्टर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, तो कितने मार्क्स होने से आप अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ पीटी में जाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पीटी में 2 गुने लोगों को बुलाया जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ कम स्कोर्स बंदे को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन कितना स्कोर आपका होने से आप फाइनली कट ऑफ क्लियर करोगे और आपको फाइनली आपको सिलेक्शन मिलेगा, इस मुद्दे पे मैं आज बात करूंगा। वहीं नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, इस विषय पे चर्चा की जाएगी। सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस विषय पे भी चर्चा करूंगा। और अब तक का मैंने ये जो सर्वे किया है, इसमें सबसे सटीक सर्वे आपके समझ लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को मैंने खुद भी देखा, बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे सोशल ग्रुप पे और वेबसाइट पे मैंने सर्च किया, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही ओवरऑल मैं ये कट ऑफ लेके आया हूँ। तो बिना देर किए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो को। और उसके पहले कुछ चीजें होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है बंदे को सिलेक्ट करने का और कट ऑफ डिसाइड करने का, तो इन सारी चीजों पे भी मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपकी एग्जामिनेशन का, जो भी ग्रुप डी का है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी में फर्स्ट रिटन टेस्ट हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, जिसे आप लोगों ने दिया है और उसका आंसर की भी आ चुका है, 11 जनवरी को आया था, और उसमें आपने अपना मार्क्स देखा है। उसके बाद यहाँ पे पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसके बाद। हालांकि अभी फिलहाल में रिजल्ट की कुछ वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि फिजिकल इफिशियंटी टेस्ट होगा, और इस टेस्ट के बाद ही आपको मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, कुल 3 चरण ऐसे हैं अभी बाकी हैं, जिसमें पहला पीईटी होगा, देन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होना है। तो इन सारी क्राइटेरिया को जानने के लिए आपको मैं ये भी बता दूं कि पीईटी, क्योंकि इसके बाद ही आपका पीईटी होने वाला है, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो इसको क्वालिफाई करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि इसका मार्क्स आपके कट ऑफ का डिसाइड नहीं करेगा, इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जैसे मैं बता दूं कि मेल कैंडिडेट के लिए जो पीईटी डिसाइड किया गया है, उसमें आपको 35 kg का वेट, 100 डिस्टेंस के लिए, 100 मीटर के लिए आपको उठा के जाना होगा, और इसके लिए आपको समय सिर्फ 2 मिनट का दिया जाएगा, और भी वन चांस के लिए। हालांकि ये बहुत ही टफ वर्क नहीं हो सकता, एक फिट बंदा आसानी से इसे कर लेगा। वहीं एक इसमें दूसरा सेगमेंट भी है, जिसमें आपको 1000 मीटर के डिस्टेंस को दौड़ना होगा, उसके लिए आपको टाइम यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकेंड के लिए दिया जाएगा। तो एक जनरली जो वर्कआउट करता हुआ बंदा रहेगा, नॉर्मली आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, ठीक है, इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता है। और मेरे ख्याल से फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट है, ठीक है, वो वहां पे बहुत कम बंदे फेल होने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली हर कोई सीरियस ही होता है अपने एग्जाम के लिए। देखो मैं यहाँ पे जो भी बात बताने जा रहा हूँ एकदम सीरियसली होगा, ऐसा नहीं कि चैनल्स को या फिर व्यूज के लिए। मैं कुछ कुछ वीडियोस में मैंने ऐसे देखे हैं जो लोग बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एग्जैक्ट चीजें होनी चाहिए और जेन्युइन चीजें होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड बहुत टाइम है, आसानी से आदमी कर सकता है, ठीक है, और 100 मीटर का डिस्टेंस भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। ओके, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करूं, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वेट लेके 100 मीटर का डिस्टेंस, उनके लिए भी 2 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद उनका जो 1000 मीटर का जो रनिंग है, उसके लिए उन्हें 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो पीईटी टेस्ट
में 2 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट करके बुलाया जाएगा, जैसा कि जो भी वैकेंसीज है 62,907 नियर अबाउट, तो इसके 2 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा पीईटी टेस्ट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया होती है और किस बेस पे डिसाइड होता है आपका कट ऑफ। तो बेसिकली ये जान लिया जाए कि कट ऑफ का जो डिसाइड करने का सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है, उसमें आपका कंपटीशन लेवल चेक किया जाता है कि कितना कंपटीशन था। जी बिल्कुल, और जैसा कि जानते हैं आप कि ग्रुप डी अब तक का रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम रहा है, जिसमें लगभग 2 करोड़ फॉर्म पड़े थे और लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इसे इसमें अपीयर भी हुए थे और एग्जाम भी दिया था उन्होंने। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई है, क्योंकि जब 1.5 करोड़ लोग 62,000 वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक कांटे का टक्कर हो सकता है। ठीक है, वही सिलेबस सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो सिलेबस भी काफी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे साइंस और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो कि हर बंदे के लिए ये पॉसिबल उतना नहीं था, खासकर जो स्टूडेंट आईटीआई के थे या फिर जिन्होंने 10+2 के बाद 8 सब्जेक्ट से पढ़ाई किया था, उनको साइंस पल्ले पढ़ने वाली नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो इस एग्जाम को डिसाइड कर सकती थी कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। लेकिन यहाँ पे साइंस के भी स्टूडेंट थे और भी जो हायर लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे। डेफिनेटली क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से ही इसमें इस विषय पे बात करना काफी थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जैसे कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, जो 2014 में हुआ था, वहां पे ऑफलाइन पेपर था और यहाँ पे ऑनलाइन पेपर किया गया है, तो ये भी आपके कट ऑफ डिसाइड करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो गांव से बिलोंग करते थे, जिन्होंने कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं था, तो उन्हें काफी डिफिकल्टी हुई थी यहाँ पर। वहीं देखा जाए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर द पार्टिकुलर रीजन, और जिस आरआरबी से आप बिलोंग करते हैं, जिस आरआरबी में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, वहां पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट थे और कितने लोगों ने वहां से फॉर्म अप्लाई किया था, तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। कुछ और भी चीजें हैं जो आपकी कट ऑफ को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है, जिसमें आरआरबी किन क्राइटेरिया को फॉलो करता है आपके कट ऑफ डिसाइड करने में। तो यहाँ मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट अप्लाइड, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोग वहां पे अपीयर हुए हैं, ये सारी चीजें, और साथ में कितना सीट रिक्वायर्ड है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, और उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स बाय द कास्ट कैटेगरी वाइज। जी बिल्कुल, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, जो SC ST OBC एंड जनरल कैटेगरीज होती हैं सबके लिए अलग अलग सीट का यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, और उसके बेसिस पे भी आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। वहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टेज 2, कितने लोगों के लिए स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, ये भी चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। वहीं अगर ALP वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, आप वहां पे भी जाके देखना, ALP का मैंने कट ऑफ का वीडियो अभी अभी फिलहाल में डाला है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों को, और जो मैंने वीडियो बनाई है उस पे काफी पॉजिटिवनेस लोगों को देखने मिला, क्योंकि वहां जो मैंने वीडियो बनाई वहां भी सबसे सटीक कट ऑफ मैंने ही दिया है, हमारी टीम ने दिया है। तो इस तरह की तरीके से यहाँ पे भी देखा जाएगा कि कितने इस लोगों को वहां पे बुलाया जा रहा है। अगर 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा कट ऑफ को लो किया जाएगा, और अगर उससे ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा तो और भी ज्यादा लो हो सकता है। लेकिन जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया कि 2 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया जाना है। और भी बातें हैं जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट टोटल रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, टोटल कितने लोगों को बुलाया जाना है, मार्क इन द क्वेश्चन पेपर, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर था, कितने लोग, अरे एग्रीगेट नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट हाउ मेनी क्वेश्चन, कितने स्टूडेंटों ने, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंटों ने कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, वैकेंसी कैसी है रीजन वाइज में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर बाय द रीजन वाइज। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं जिसमें ये आपके कट ऑफ को कैलकुलेट करने में काफी मदद की जाती है, और इन सभी चीजों को ही मैंने काफी गहराई से पढ़ा है, जाना है, समझने की कोशिश की है, और उसके बाद ही आपका कट ऑफ यहाँ पे मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो
तो इन सारी चीजों को देखेंगे, आप भी खुद इन सारी चीजों को देखो जानो और फिर आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि क्या नियर अबाउट कट ऑफ हो सकता है। बाकी आपकी जानकारी के लिए और भी चीजें, जैसे मैं बता दूं कि मैंने 2014 और 2018 के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा की, तो मैंने क्या पाया कि 2014 का जो कट ऑफ था काफी हाई था। तो क्यों हाई था, उसके लिए मैंने यहाँ पे देखा कि कितनी वैकेंसीज ऑफ सीटीज, कितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2014 में कुल जो वैकेंसी थी वो 5,075 थी, वहीं 2018 की जो वैकेंसी है इसमें 62,960, लगभग 12 गुना से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे हैं। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि 2014 से जो 2018 की कट ऑफ होगी वो कम जाएगी बिल्कुल। और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आप सारे कैटेगरी में देख लो, सारे कैटेगरी में 2014 के मुकाबले 2018 में लगभग लगभग 12 गुना 10 गुना इस तरह से यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज हैं। और बाकी अगर सीटों की बात करी जाए, अगर रीजन वाइज में बात करूं तो सभी रीजन में जो भी सीटें दिखाई गई हैं लगभग लगभग काफी अच्छा खासा सीट यहाँ पे दिखाया गया है और वैकेंसीज काफी अच्छी है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट होने की। तो मैं बता दूं कि जो सबसे ज्यादा जहाँ वैकेंसी थी वो चंडीगढ़ रीजन था, और हालांकि जहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ फाइट भी काफी तगड़ी होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि 16 रीजंस हैं अपने आरआरबी के, और उन सारी आरआरबी के यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सीट्स को मैंने यहाँ दिखा रखा है, और इन्हीं कुछ बेसिस करके मैंने यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड किया है, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आरआरबी ग्रुप डी का जो 2014 की जो कट ऑफ थी उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि आरआरबी ग्रुप डी का जो 2014 में जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 87.65%, जी इतनी हाई कट ऑफ गया था उस टाइम पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, वैकेंसीज कम थी, और इसलिए ये काफी। और दूसरी एक चीज और वहां पे थी कि पेपर ऑफलाइन था और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो ऑफलाइन एग्जाम दिए थे, और वहाँ पे क्या बोलते हैं आर्ट्स से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे जो कि लूसेंट वगैरह पढ़ के जो रट्टाफिकेशन मार के लोग जाते हैं और काफी अच्छा काम करके आते हैं वहाँ पे। तो लेकिन इस वाले एग्जाम में हुआ क्या, यहाँ पे ज्यादातर साइंस के क्वेश्चन थे, और साइंस में जैसे जानते हो कि बेसिक नॉलेज काफी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या ओबीसी का हो, एससी एसटी सबका यहाँ पे कट ऑफ काफी हाई रहा था 2014 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये क्रिटेरिया सारा चीज फॉलो करने के बाद ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स को जो मैंने यहाँ पे किया है कि रॉ मार्क्स वर्सेस नॉर्मलाइजेशन मार्क, कितने मार्क्स अगर आप यहाँ आंसर की में गेन कर रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना मार्क्स हो सकता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे कि मान लो कि आपके अगर 63/75 आपके मार्क्स आते हैं रॉ मार्क्स आपका, ठीक है, तो कितना नंबर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे नियर ऑफ 5-6 मार्क्स या 3-4 मार्क्स ये आपका बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो वो आपके एग्जाम के टाइम पे डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है और किस तरह का एग्जामिनेशन था और नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें कितने अपीयर हुए थे, और सबसे बड़ी चीज जो ये है कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपका बढ़ने का। क्योंकि अगर आपने कोई बंदा है जिसने 70 क्वेश्चन सही किया है और 2 क्वेश्चन उसका गलत है, यानी टोटल 72 उसने किया था, 70 सही 2 गलत है, तो यहाँ पे उसके मार्क्स ज्यादा बढ़ने की चांसेस हैं। लेकिन अगर एक बंदा है जिसने 75 क्वेश्चन सही किए हैं और उसने 15 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स कम हो जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन में भी उसका मार्क्स कम ही बढ़ेगा। तो आप बेसिकली ये ध्यान दो कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। वहीं अगर आपके 50-62 के बीच में मार्क्स है तो 55-67 तक आपका एक्सपेक्टेड किया जा सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स। वहीं 41-49 है तो 48-55 हो सकता है, और अगर 31-39 के बीच में है तो 42-47 के बीच में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने मार्क्स के अंदर आपका स्कोर आ रहा है। तो ये रहा आपका नॉर्मलाइजेशन, और ये एक फॉर्मूले के बेस्ट पे किया जाता है, एक लंबा चौड़ा
फॉर्मूला होता है जो कि इस बार जो जनरल जेई का जो एग्जाम होने वाला था उसमें आरआरबी ने उस फॉर्मूले को भी बताया था, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के आधार पे आप अपना मार्क्स पता कर सकते हो कि नॉर्मलाइज होने के बाद आपका मार्क्स कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने उस फॉर्मूले को यहाँ पे नहीं लाया है क्योंकि वो काफी लेंदी फॉर्मूला होता है और उसके लिए बहुत अच्छी स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो हालांकि उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया है ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों के बाद जानने के बाद मैं चलता हूँ आज के अपने जो कट ऑफ है जो अभी तक का डिसाइड किया गया है कि क्या होने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 70 के नियर अबाउट होना ही चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बाद। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका 63 या 75 के बीच में आपका मार्क्स है तो आप 68 से 81 के बीच में होते हैं, यानी रॉ मार्क्स आपका 63 और 75 के बीच में आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो कट ऑफ होगा वो 70% के नियर अबाउट रहेगा और यहाँ पे आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। और ये मार्क्स मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ पीईटी के कॉलिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे हाई जरूर रखा है क्योंकि ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ यानी आफ्टर पीईटी जिनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे कम मार्क्स लेके आएंगे उन्हें पीईटी के लिए तो बुलाया जाएगा जरूर, आप क्वालिफाई भी कर जाओगे, लेकिन ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ आएगा वहां पे आपको बाहर कर दिया जाएगा डेफिनेटली। तो इस झांसे में नहीं आना है। बहुत सारे चैनल्स को मैंने देखा है जिसमें वो 55 मार्क्स 50 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, इट इज पॉसिबल है क्या? आप खुद से समझो, इतने सारा इतने ज्यादा लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, क्या सब ऐसे ही किसी ने एग्जाम नहीं दिया है? जो भी किया है बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे लोगों ने वहां पे अच्छा मार्क्स गेन भी किया है। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि अगर 1.4 करोड़ यानी 1,40,000 लोगों ने एग्जाम दिया है तो मैं 50% भी अगर मान लू, 50% भी मान लू तो लगभग लगभग 90,000 लोग वहां पे आते हैं, ठीक है। तो इतने लोग अगर वहां पे आते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही, और जनरल कैटेगरी की वैसे भी मार्क्स हाई हमेशा जाती ही, तो यहाँ भी जाने ही वाली है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये जो फाइनल कट ऑफ डिसाइड किया है कि आफ्टर द पीईटी एंड मेडिकल क्या होने वाला है, और वहां पे अगर आपका अभी इतना मार्क्स है 70% अगर मार्क्स है या एबव है इससे, तो डेफिनेटली आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए 67.12% ये मिनिमम है, मतलब इससे या इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वहीं एससी के लिए 59.98%, एसटी कैटेगरी के लिए 56.76%, वहीं एचसी जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 51.21%, ओएस कैंडिडेट के लिए 49.142% और पीएस कैंडिडेट के लिए 46.89% तक का कट ऑफ आएगा। हालांकि इससे कम मार्क्स वालों को, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इससे कम मार्क्स वालों को बुलाया जाएगा लेकिन फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो फाइनली सिलेक्ट होने का मतलब कि अगर आप इतना हो तो अपने आप को श्योर कर लो कि नहीं आपका होने वाला है और आप इसमें फाइनली सिलेक्ट होगे। अगर इससे कम मार्क्स है, ठीक है, इससे कम मार्क्स है तो आप और भी एग्जाम की तैयारी में लगे रहो, हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहा है ना, आपने भी सुना होगा कि मुझे भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ लेकिन रुकना नहीं चाहता। तो डेफिनेटली रुकना बहुत बुरी बात है और आप रुकना कभी मत, हमेशा चलते ही रहना। तो ये ओवरव्यू आज का पूरा फाइनल वीडियो है। डेफिनेटली आप इसे देख के काफी होपफुल हुए होंगे और काफी चीजें जो देखो जो चीजें प्योर होती हैं, जो चीजें सच होती हैं कड़वी होती हैं, मैंने पहले ही बोल के रखा है, ठीक है। तो सच्चाई से परे नहीं होना है, सच्चाई को फेस करना है और इसे आप डेफिनेटली फेस करिए। आपके सामने और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर यहाँ आपका नहीं होता है डेफिनेटली आगे आपका होगा। और बहुत फेमस चीज है जो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये उन लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो फिलहाल हमें दीजिए दीजिए इजाजत। और इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉर्नर पे आपको आई बटन दिखेगा, जिसमें सर्वे के लिए मैंने वहां पे डाल रखा है, और आपका जो भी मार्क्स आपने गेन किया है, यानी कि रॉ मार्क्स जो है आपका, जो आंसर किया आने के बाद जो मार्क्स है, तो उसके हिसाब से वहां पे जो मैंने 3-4 कॉलम दे रखे हैं, उसमें आपका जो भी मार्क्स आता है उस पर आपको बस क्लिक करना है। वो एक सर्वे के लिए है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप के साथ कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो आपकी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ जो आई बटन दिख रहा है, इसमें आप अपना मार्क्स को मतलब वहां पे प्रेस कर दीजिएगा, जो भी आपका जिस कैटेगरी में आप आते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट होता है, डेफिनेटली कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।